मैदानों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे बचने के लिए लाखों की तादाद में पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला में भी पिछले 20 दिन में 2,50,000 पर्यटक वाहनों का आवागमन हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारी संख्या में पर्यटकों के आवागमन से शहर में ट्रैफिक की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। हालांकि शिमला पुलिस यातायात प्रबंधन को सुचारू रखने के लिए पूरी मशक्कत कर रही है। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया कि शिमला भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी चुनौतीपूर्ण पर्यटन स्थल है और शिमला की सड़कें उस हिसाब से ज़्यादा चौड़ी नहीं हैं जितनी ज़रूरत रहती है। बावजूद इसके शिमला पुलिस यातायात के बेहतर संचालन के लिए प्रयासरत है, ताकि लोगों को कम असुविधा हो। देखिए, शिमला जो हमारा पर्यटन की दृष्टि से हम सभी जानते हैं कि हमारी कैपिटल है और क्वीन ऑफ हिल्स भी पूरे संसार में, पूरी इंटरनेशनल मैप में, या दिस इज़ अ फेमस प्लेस। इस साल जो है मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सैलानी जो हैं, पर्यटक जो हैं, हमारे कैपिटल हिमाचल की तरफ बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं और इसी कड़ी में जो है शिमला भी इससे अछूता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट शिमला और कैपिटल एरिया में जो है वो भारी संख्या में वाहनों का आवागमन हुआ है। अगर मैं पिछले 20-22 दिनों का डेटा आपके साथ शेयर करूं, तो उसमें जो है शिमला की जो हमारी बाउंड्रीज हैं, जहां से एग्जिट एंट्री पॉइंट हम कैपिटल के लिए मानते हैं, वहां से 8.5 लाख से ज़्यादा वाहनों का आवागमन हुआ है और जो आउट ऑफ स्टेट व्हीकल्स हैं वो 2.5 लाख के करीब व्हीकल्स जो हैं उनका आवागमन जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला की जो हमारी एग्जिट एंट्री पॉइंट से हुआ है। तो इससे पता चलता है कि भारी संख्या में सैलानी आए हैं। इसी वजह से जो, क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसमें स्पेस की कमी है और हम 7000 फीट के करीब हाइट पे रहते हैं, तो डेफिनेटली ज्योग्राफिकल नेचुरल जो है नेचर की तरफ से हमको डिसएडवांटेज है। सड़कें हमारी उतनी पर्याप्त डायमीटर में, उतने मेजरमेंट में नहीं है कि इस तरह के भारी संख्या में जो यातायात का जो संचालन उसमें समा सके। ट्रैफिक की कंजेशन जो है वो डेफिनेटली होनी संभावित रहती है इस तरह की परिस्थिति में, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट शिमला हमने, पुलिस ने जो है पूरी शिद्दत के साथ, कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स से लेकर लेट आवर्स तक जो है नाइट तक जो अपनी ड्यूटीज को निभाया है और प्रयास ये किए हैं कि इतनी भारी वाहनों की संख्या के बावजूद भी जो यातायात को हम संचालित रखें। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।